प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। आज हम अध्याय चार, जैसा कि पिछले वीडियो में भी अध्याय चार संधि पढ़ी रहे थे, उसमें व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था, उसके नियम पढ़े थे। आज उसमें जो अंतिम व्यंजन संधि के कुछ जो है अंतिम नियम है, नौ से और सौ से संबंधित, उसी का अध्ययन करेंगे, उसके नियम को समझेंगे और कैसे उन दोनों वर्णों का मेल होने से, नौ और सौ के बाद जो वर्ण आते हैं मेल होने से, उसमें किस तरह का विकार होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि के नियम में पहला जो है यहाँ न से संबंधित नियम है। जब री र स का मेल जब न से होता है तो न का क्या होता है, अड़ाव हो जाता है, यानी न वर्ण जो है वो किसमें बदल जाता है, अड़ाव में बदल जाता है। उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखा है, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा ये कैसे। देखिए, री धन न बराबर ऋण। अब री यहाँ नियम है, री के बाद री र या स में से री के बाद क्या आया है, न आया है, और न के मेल से यहाँ क्या हो जाएगा, ये न जो है अड़ाव में बदल जाएगा, न जो है अड़ाव में बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऋण। उसी प्रकार भर धन न बराबर ये क्या हो जाएगा, भरण, भरण। ये न किसने बदल गया, अड़ाव, इसलिए हो गया भरण। ठीक उसी प्रकार भूष धन न, अब देखिए यहां पर ये श सो आया यहां पर, इसका मेल जब न से होगा तो क्या हो जा रहा है, ये भूषण, भूषण, अर्थात ये न जो है अड़ाव में बदल जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है, और ये जो शब्द मिल रहा है संधि के बाद हो जा रहा है भूषण। ठीक उसी प्रकार शोष धन न बराबर शोषण, ये हो जाएगा आपका शोषण। तो ये था व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत न से संबंधित नियम, कि जब री र स का मेल न से होता है तो न जो है अड़ाव में बदल जाता है, उदाहरण से कभी आपने देखा। अब अगला इसमें है स का श में परिवर्तन, स का श में परिवर्तन, और इसके लिए नियम क्या है कि जब स से पहले अ या आ से भिन्न, यानी अ या आ से अलग, भिन्न का मतलब उससे अलग, यानी ये दोनों न आकर कोई और स्वर आए, तो कोई अन्य स्वर आ जाए आए या आ जाए तो स किसमें बदल जाता है, स का श हो जाता है, श का श हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, अभी धन शे, अब ये किसमें हो जाएगा, ये जो अभी है भी इसमें क्या छिपा हुआ है, ह्रस्व ई स्वर है ये, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये घ और प्लस ई होगा, तो अब इस ई का मेल हो रहा है इससे स से, तो ये यहाँ ओ या आ नहीं है, अलग स्वर है, ई है, ह्रस्व ई है, ई हो जाएगा अभिषेक, ये हो जाएगा अभिषेक। ठीक है, उसी प्रकार वी धन शम, अब यहां भी वी का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, व धन ई, और इसके बाद से ये है सम। अब देखिए इस ई का इससे जो है मेल होगा, अब ये क्या है, अलग स्वर है, और या इससे अलग है, जब इसका मेल होगा तो ये बदल जाएगा विशेष, विषम, सॉरी विषम, वी धन सम बराबर विषम। उसी प्रकार नी धन से बराबर ये हो जाएगा निषेध, ये निषेध हो गया, और सुधन समा, यहां देखिए ये हर्ष कु है, हर्ष कु आएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे, सॉरी वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा स धन कु, तो ये क्या हो जाएगा, यानी अलग स्वर है अ या आ से अलग है, भिन्न है, तो इसका जब मेल होगा तो ये जो स्व है वो स में बदल जाएगा। अब कैसे, देखिए सुषमा, ये जो स है वो किसमें बदल गया, स में बदल गया, और ये हो गया सुषमा। तो इस प्रकार जो है ये व्यंजन संधि का अंतिम नियम जो आपके पाठ्यक्रम में है, न से और स से संबंधित, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा।
इसे ध्यान से पूर्वक देखिएगा। यदि कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।